मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने खिलौना पिस्टल के बल पर लूटपाट करने वाले रेनकोट गिरोह के दो बदमाशों को दबोचा है। वारदात करने के लिए पंकज बिहार से जबकि धीरज पानीपत हरियाणा से दिल्ली आया था। दोनों ने दिल्ली केसीआर पार्क में स्थित कैश फॉर गोल्ड दुकान में लूटपाट की थी। ये क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर वारदात करने के लिए प्रेरित हुए थे। लूटपाट की वारदात करने के लिए इन्होंने यूट्यूब पर 100 से ज्यादा वीडियो देखी थी। ये लाजपत नगर कैश फॉर गोल्ड में जनवरी महीने भी इसी तरह लूटपाट कर चुके हैं। आरोपी तीसरी वारदात की साजिश रच रहे थे। दिनांक 30 जुलाई को शिकायतकर्ता सोनाक्षी मौर्य ने बताया कि वह सावित्री सिनेमा के पास ग्रेटर कलश में कैश फॉर गोल्ड दुकान के कार्यालय में कस्टमर केयर सर्विस मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। दो व्यक्ति उनके कार्यालय में घुस गए और कार्यालय के लड़के को बंदूक की नोक पर कार्यालय में रखा लगभग 75,000 लूट लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर स्कूटी से रिंग रोड की ओर भाग गए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा स्पेशल स्टाफ नाकोटिक्स थाना सीआर पार्क और थाना मैदान गढ़ी की कई टीमों का गठन किया था। सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शंस में एसीपी मेहरौली रणवीर सिंह की सुपरविजन में और मैदान गढ़ी थाना एसएचओ जतन सिंह के नेतृत्व में एसआई उमेश यादव, हेड कांस्टेबल पंकज, हेड कांस्टेबल कमल, हेड कांस्टेबल कृष्णा, कांस्टेबल नरेंद्र, कांस्टेबल सोमवीर और कांस्टेबल भीम के साथ पुलिस स्टेशन मैदान गढ़ी की एक टीम बनाई गई। थाना मैदान गढ़ी की जांच टीम इमीडिएटली क्राइम स्पॉट पर पहुंची और जीके में कैश फॉर गोल्ड के प्रेमिसेस की जांच की। शिकायतकर्ता से जांच टीम को पता चला कि दोनों आरोपियों ने क्राइम के समय रेनकोट, हेलमेट, दस्ताने और मास्क पहने थे। जांच में ये भी पता लगा कि दोनों ही सफेद रंग की डिफेक्टिव नंबर प्लेट वाली स्कूटी आए थे। आफ्टर दैट द टीम वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स और स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। जांच टीमों ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों की जांच शुरू की। हवलदार पंकज को जांच में पता लगा कि बदमाश कैश ऑफ गोल्ड दुकान में लूटपाट करने के लिए ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, सीआर पार्क, कालकाजी, लाजपत नगर व निजामुद्दीन आदि मार्केट के पास घूमते देखे गए थे। इन्हीं बदमाशों ने 6 जनवरी 21 को लाजपत नगर में स्थित कैश फॉर गोल्ड दुकान में लूटपाट की थी। जांच टीम ने पुलिस स्टेशन कालकाजी से 6 जनवरी को हुई वारदात के सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए। दोनों वारदातों में इस्तेमाल एक सेम सस्पेक्ट स्कूटी को टीम ने जीरो पॉइंट किया। दोनों वारदातों को बारीकी से स्कैन करने के बाद जांच टीम को कंफर्म हो गया कि दोनों लूट को अंजाम एक ही गैंग द्वारा दिया गया है। टीम मैदान गढ़ी ने यह भी पता लगाया कि एक आरोपी बदरपुर चौक से वारदात में इस्तेमाल स्कूटी पर सवार हुआ था और उससे पहले एक आरोपी को जैतपुर की ओर आते देखा गया। जांच टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्वेलेंस और मुखबिरों की मदद से एक अक्यूज्ड को आइडेंटिफाइड करने में सफल रही। आरोपी की पहचान मधुबनी बिहार निवासी 24 वर्षीय धीरज के रूप में हुई। पुलिस टीम ने पानीपत हरियाणा के NH1 के पास पसीना कलां रोड पर छापेमारी कर एक आरोपी धीरज को गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर नोएडा से मधुबनी बिहार निवासी 27 वर्षीय पंकज को गिरफ्तार कर लिया। पंकज के खिलाफ पुलिस स्टेशन जैतपुर में जान से मारने की धमकी देने का एक मामला पहले से दर्ज है। इंटेरोगेशन के दौरान दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वो पानीपत हरियाणा और बिहार से दिल्ली में कैश फॉर गोल्ड के कार्यालयों में वारदातों को अंजाम देने आते थे। आरोपितों ने बताया कि उन्हें क्राइम पेट्रोल देखकर डकैती डालने का आइडिया मिला था। इसके बाद दोनों आरोपित दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के लिए आते थे। वारदात के बाद धीरज हरियाणा और पंकज बिहार अपने घर चला जाता था। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से वो दूसरे इलाके में मौजूद कैश फॉर गोल्ड कार्यालयों को निशाना बनाते थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी देश में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।